C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर्स में हमने डिस्कस कर लिया था GW बेसिक या खाली बेसिक तक, और आज हम फोर्ट्रन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि ये फोर्ट्रन हमारे पास होता क्या है। इन 1957 फोर्ट्रन अपेयर एज फर्स्ट मेजर हाई लेवल लैंग्वेज अपेयर इन द फॉर्म ऑफ फोर्ट्रन। हमारे पास फोर्ट्रन, ये हमारे पास पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो के बनाई गई थी। फोर्ट्रन स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज के ये मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशंस होंगे जिनके लिए यूज होगी। वाज डिजाइन बाय आईबीएम, आईबीएम एक कंपनी है जिसने इनको डिजाइन किया फॉर साइंटिफिक कंप्यूटर। ये लैंग्वेज फोर्ट्रन हमारे पास बनाई गई थी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, फोर्ट्रन लैंग्वेज। और फोर्ट्रन के बाद हमारे पास है जावा, तो जावा को देख लेते हैं। जावा क्या है? जावा इज हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज डेवलप इन सन माइक्रो सिस्टम। ये सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी है जिन्होंने ये जावा को बनाया था। इट वाज यूज फॉर डिजाइनिंग टू कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर्स, के माइक्रो प्रोसेसर्स को ये कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। यूज इन केबल रिसीवर, VCR एंड ऑल्सो PSD पर्सनल डाटा असिस्टेंट, इनमें ये यूज की जाती है। द लैंग्वेज हैज अ पावरफुल कैपेसिटी ऑफ नेटवर्किंग, ये हमारे पास नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है जावा लैंग्वेज। और उसके अलावा ये हमारे पास VCRs में यूज होती थी, PSD में यूज होती थी। उसके अलावा ये हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स में ये बहुत ज़्यादा यूज होती है, और उसके ये एक पावरफुल लैंग्वेज है और इसमें बहुत अच्छी कैपेसिटी है नेटवर्किंग को मैनेज करने की, इंटरनेट एप्लीकेशन की और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ये बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है जावा लैंग्वेज। और जावा के बाद हमारे पास नेक्स्ट है पास्कल। अब ये नाम से आपने एक पढ़ा होगा, पास्कल नाम का एक साइंटिस्ट था, ये उसके उसके नाम पर ये लैंग्वेज को बनाया गया था, जिसने फर्स्ट कंप्यूटर को आई थिंक सो डिजाइन किया था। उसका नाम था शायद पास्कल, या फर्स्ट कैलकुलेटर जिसने बनाया था। इट इज डिजाइन इन 1971, ये 1971 में बनाई गई। इसका नेम पास्कल के नेम पर, साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया। और उसके अलावा ये हमारे पास कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं होती, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज होता है, जैसे कि फोर्ट्रन या को बोल और एक एल्गोल लैंग्वेज होती है। इन तीनों को कॉम्बिनेशन जो होता है उससे एक लैंग्वेज बनती है जिसका नाम है हमारे पास पास्कल। और ये भी साइंटिफिक कैलकुलेशन, साइंटिफिक हमारे पास प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये पास्कल को भी यूज़ किया जाता है। और लास्ट पे हमारे पास है विजुअल बेसिक, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की थी विजुअल बेसिक को। ये स्टार्ट स्टार्ट में जब आई थी तो ये बिल्कुल पॉपुलर नहीं हुई थी, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसका फिर एक 3.0 वर्जन निकाला जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और प्रोग्रामिंग फील्ड में काफ़ी यूज़ हो रहा है। मोस्ट ऑफ द विंडो बेस्ड एप्लीकेशन आर डेवलप इन विजुअल बेसिक, जो विंडोज़ पे हमारे पास एप्लीकेशन बनती हैं वो हमारे पास विजुअल बेसिक को यूज़ किया जाता है। बेसिक टूल है माइक्रोसॉफ्ट वालों का विजुअल बेसिक, जिस पर ये विंडोज़ बेस्ड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो इसमें बनती हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि ये ग्राफिकल जो यूजर इंटरफेस हमें विंडोज प्रोवाइड कर रहा है, ये भी हमारे पास विजुअल बेसिक में ही बनाया गया है। तो अभी तक टाइम है हमारे पास, तो यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। विजुअल बेसिक हमारे पास प्रोग्रामिंग, हाई लेवल लैंग्वेज खत्म होगी, अब लो लेवल लैंग्वेजेस को देख लेते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं? लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। 0 और 1, कंप्यूटर आपको पता है 0 और 1 के अलावा और किसी चीज़ को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। तो कोई भी हमारे पास कोड है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, ज़रूरी है कि वो कोड को पहले लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए जिससे कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके और हमें उसके मुताबिक आउटपुट दे सके। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डैट आर वेरी क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, मतलब बाइनरी लैंग्वेज। दीज लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट, मतलब मशीन को समझ आती है, ह्यूमन को समझ नहीं आती। दीज लैंग्वेजेस प्रोवाइड मोर कंट्रोल टू प्रोग्राम, और जाहिरी बात है ये प्रोग्राम में ज़्यादा कंट्रोल, जो कि बाइनरी लैंग्वेज में कोड लिखा गया होगा वो कंप्यूटर को डायरेक्ट समझना बहुत ज़्यादा आसान होगा और उसकी कंट्रोल बहुत ज़्यादा उसमें अच्छा होगा।
और उसके अलावा इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी हाई होती है। अगर हम लो लेवल लैंग्वेज में कोड लिखेंगे तो वो जल्दी प्रोसेस होगा, कंप्यूटर उसको जल्दी अंडरस्टैंड कर लेगा। लेकिन अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो पहले वो हमारे पास कंपाइलर पे जाएगा, कंपाइलर पे जाके वो हमारे पास कोड जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएगा, फिर कंप्यूटर के पास जाएगा, कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज उसको भेजेगा कंपाइलर के पास, उसको फिर कन्वर्ट करेगा और हमें देगा। तो इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगता है। तो लो लेवल लैंग्वेज जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करती है एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। और इसकी दो टाइप्स है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज, मशीन इट इज आल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज के बारे में तो आपने सुना होगा, जीरो और वन, और ये भी सुना होगा कि कंप्यूटर जीरो और वन के अलावा किसी और चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता। जो भी कोड, जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर को देते हैं वो जीरो और वन की फॉर्म में होगा, तो वो हमारे पास उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक मशीन लैंग्वेज की एक अलग हमारे पास सेंटेक्स होता है अलग, उसका हमारे पास एक इंटरफेस होता है जिसके ऊपर जिन रूल्स को हम यूज करके हम मशीन लैंग्वेज में कोड लिखे हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अलग अलग सेंटेक्स, एक अलग अलग कोड होता है मशीन लैंग्वेज का। और उसके बाद मशीन लैंग्वेज के बाद इसकी एक ये कंपाइलर आ गया, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? इट इज़ लो लेवल लैंग्वेज। ये लो लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है क्योंकि ये थोड़ा बहुत उससे मिलती जुलती लैंग्वेज है। इसमें कुछ इंग्लिश वर्ड्स का भी यूज़ किया जाता है, जिससे इसको लो लेवल लैंग्वेज को तो समझना बहुत मुश्किल है। उसके लिए तो आपको हार्डवेयर की बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। और लेकिन असेंबली लैंग्वेज को समझना उससे थोड़ा आसान है क्योंकि इसमें इंग्लिश कीवर्ड्स का यूज़ किया गया। असेंबली लैंग्वेज इज यूज टू, और ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास, ये डायरेक्ट हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसमें कोड लेके डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट नहीं करते। एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे पास इस लैंग्वेज को, असेंबलर को, असेंबलर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इस लेवल लैंग्वेज को हमारे पास कन्वर्ट करके देता है कंप्यूटर को लो लेवल लैंग्वेज में, और उसके बाद हमारे पास वो हमें असेंबलर वापस रिकन्वर्ट करके देता है असेंबली लैंग्वेज में, और हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये भी इसको भी अंडरस्टैंड करना इतना आसान नहीं है, लेकिन बाइनरी लैंग्वेज से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इसको अंडरस्टैंड करना, और काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है असेंबली लैंग्वेज। तो नेक्स्ट जो इसका लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास वेज होते हैं जिनसे हम मशीन लैंग्वेज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या हाई लेवल लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उस चीज़ को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।